प्लानिंग कितनी कि अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियसली रेड करवाई। उस रेड दौरान 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 4 लोग 40 साल के ऊपर है, एक बंदा 30 साल के नीचे है। और साथ ही साथ काफी भारी मात्रा से अमाउंट की रिकवरी भी हुई है। टोटल 1,94,37,985 रुपए बरामद हुए हैं। नाल नाल ते 19 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर सेट ते नोट गिनने वाली 2 मशीनें भी। ये जेडे बंदे सीगे ये ऑनलाइन गेमिंग ते बैटिंग दे विच इन्वॉल्व सीगे। ये जेडी धाराएं लगाई गई हैं उदे विच 420 ते 120 भी आईपीसी दी ते सेक्शन 13 एंड 33 ऑफ पंजाब गैम्बलिंग एक्ट 1867 दे भी यूसेज किया गया है। ये बंदों दे 2 एमओ सीगे। नंबर 1, ये इलीगल ट्रेडिंग करते सीगे। ये जेडे अपने इना दे क्लाइंट्स थे उनसे पैसा लेंदे सीगे, कभी कभी कच्चे का भी पैसा लेंदे सीगे, ओनू इन्वेस्ट करदे सीगे और जो प्रॉफिट आंदा सीगा ओ ओनू देंदे सीगे ते लॉस उनका अपने पास रख लेंदे सीगे। ये जेड़ा सारा पैसा है इसका ना ही कोई ऑडिट ट्रेल होंदा सीगा और ये हर तरह दे पॉसिबल टैक्स एग्जेम्पशंस भी करदे सीगे। इससे सरकार नू भी नुकसान होंदा सीगा और नाल ही नाल जेडे क्लाइंट्स थे ओनू भी नहीं पता रहता सीगा कि उनां दे नाल घपला कर रहे ने। इसके साथ ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में जेडे क्रिकेट होते, क्रिकेट दे मैचेस चलते थे, उस दौरान भी ऑनलाइन बैटिंग करते सीगे। कई तरह दी इन्हां दे कोल ओ है वेबसाइट्स हैगी, जिवें डायमंड एक्सचेंज हो गया, डायमंड 808 हो गया। ए उनके यूजर नेम ते पासवर्ड आईडी बनांदे सीगे और जेडे बंदे होते होंगे उन्हों बंदे थे जेडे इनके क्लाइंट्स थे उन्हों देंदे सीगे कुछ पैसे में। वो पैसे इन्हां दी लिमिट होंदी सीगी, ओदे बाद ए उसके डैशबोर्ड च एंट्री करके यूजर नेम ते पासवर्ड आईडी दे विच जाके ओ क्लाइंट्स ऑनलाइन बैटिंग करदे सीगे जो टोटली इलीगल ने। टोटल 5 बंदे फड़े गए हैं, इनमें से 2 10वीं पास है, 1 12वीं पास है ते 2 ने बीकॉम भी किया है। ये सारे लुधियाना बेस्ड बंदे ही हैं। हुण इन्हां दे जो बाकी लिंकेजेस है वो भी अभी असी पता कर रहे ने। नाल नाल ते जिहड़ी इसमें बाकी तरह दे इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस किए हैं या फ्रॉड किए हैं, जो भी अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड या ऑनलाइन रिलेटेड काम कर दें, जिहड़ी साइबर टीम ते फॉरेंसिक टीम है, वो सारी भी असी रिपोर्ट्स ले रहे हैं ते उन्हां नूं भी लिख रहे हैं जो भी वाजिब एक्शन है उन्हूं लेण वास्ते। नहीं, वक्त वक्त जगह पे मिला है। इसमें जिवें मैंने तुहानूं पहले भी कहा, साड़ी ADCP जसरूप कौर बाट, SHO डिवीजन नंबर 8 विजय जी ने पूरी तरह से इसकी मेटिकुलस प्लानिंग की। इनपुट मिलते ही अलग अलग टीमें बनाई, अलग अलग जगह रेड हुई और सब भी अलग अलग जगह से रिकवरी हुई है। ये सारे एक ही ऑफिस से थे जी? नहीं जी, ये वक वक ऑफिस से सीखे। नहीं, ऑफिस कोई रोजगार की बात कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, इन्हां दे ऑफिस अलग अलग जगह पे सीखे साइमल्टेनियसली। जेडी 4 रेट सक्सेसफुल हुई है वो बकरी वक वक जगह पे सीखे कि बाहर काम कर रहे सीखे, फिरोज गांधी मार्केट दे भी अंदर नहीं ओदे बाहर सीखे। ये जेडे 5 बंदे इनके ऊपर पहले कोई भी पर्चा दर्ज नहीं है, हुण तक ते यही पता चलिया है। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ते दो ने बीकॉम किया है। थर्ड वाला सॉरी 12th पास ने, लास्ट वाला भी 10th पास ने। 24 को लुधियाना कमिश्नरेट के डिवीजन नंबर 8 थाने में सानू एक इनपुट मिला सी गैम्बलिंग ते बेटिंग नु लेके। ADCP जसरूप ने ओदे विच लीड लेके वक वक टीमें बनाई, ओनी ओदी प्लानिंग कीती ते अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियसली रेड करवाई। उस रेड दौरान 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से 4 लोग 40 साल के ऊपर है ते एक बंदा 30 साल के नीचे है। और साथ ही साथ काफी भारी मात्रा च अमाउंट की रिकवरी भी हुई है। टोटल 1,94,37,985 रुपए बरामद हुए हैं। नाल नाल ते 19 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर सेट ते नोट गिनने वाली 2 मशीनें भी। ये जेडे बंदे सीगे ये ऑनलाइन गेमिंग ते बैटिंग दे विच इन्वॉल्व सीगे। ये जेडी धाराएं लगाई गई हैं ओदे विच 420 ते 120 भी आईपीसी दी ते सेक्शन 13 एंड 33 ऑफ पंजाब गैम्बलिंग एक्ट 1867 दे भी यूसेज किया गया है। ये बंदों दे 2 एमओ सीगे। नंबर 1, ये इलीगल ट्रेडिंग करते सीगे। ये जेडे अपने इना दे क्लाइंट्स थे उनसे